5,000 टेलीफोन जरबे 200, तो मैं ये 10 लाख फोन जो है वो उनको मैं खंगालने के लिए, ढूंढने के लिए मुझे टाइम चाहिए। मुझे सीसीटीवी सेफ सिटी पेशावर में नहीं है, मैं जहां से मुझे मिलेगा अपनी मदद, आपके तहत कोई कैमरा मिलेगा मैं उसके पास जाऊंगा, मिन्नत करूंगा कि मुझे अपनी डीवीआर दे दें, मैं उससे कुछ निकाल लूं। फिर जब 24 घंटे की डीवीआर आप देखेंगे तो आपको एक एक डीवीआर 24 घंटे की देखेंगे, आपको 24 घंटे चाहिए। आपको एक आदमी 24 घंटे जागेगा तो एक डीवीआर देखेगा। अगर मैं 7 दिन के लिए जाता हूं तो मुझे एक आदमी 7 दिन 24 घंटे की डीवीआर देखेगा। अगर मुझे 100 कैमरे चाहिए तो उसके लिए मुझे 100 आदमी चाहिए। मुझे 5,000 कैमरे ढूंढने पड़े, मैं ढूंढूंगा, मुझे 5,000 लोग चाहिए, मुझे टाइम भी चाहिए। प्लीज टाइम दे मुझे काम करने दे। मैंने निकाल लिया है खुदकुश, मैंने एक सीसीटीवी फुटेज पूरी खैबर रोड से पुलिस लाइन की तरफ आते हुए मैंने खुदकुश निकाल लिया है। मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है, और वो खुदकुश और जो हमें मस्जिद के अंदर खुदकुश बमबार का सर बुरीदा हमें मिला है वो एक आदमी है, वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है, उसने जैकेट पहनी हुई है, जैकेट खुदकुश जैकेट बात नहीं कर रहा हूं, रेगुलर जैसे पुलिस वाले आम नॉर्मल जैकेट पहन देते हैं, उसने सर पे हेलमेट पहना हुआ है, उसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, और वो मोटरसाइकिल पे आता है, और मोटरसाइकिल हमारे पास आ गई है, और मोटरसाइकिल हमने तलाश कर ली है, और उसका इंजन चेसी नंबर उन्होंने रगड़ा हुआ था, मिटाया हुआ था, वो हमने उसको भी ट्रेस कर लिया है, एंड वी आर ट्रेसिंग ट्रैकिंग द बाइक ऑल्सो। एंड जो पुलिस लाइन के अंदर हमने कैमरे अपने लगाए हुए थे उसके जरिए हमारे पास फुटेज आ गई, चेहरा आ गया, बंदा हो गया। नेक्स्ट स्टेप उसका शनाख्त का है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नेटवर्क का है, उसके बाद जो उसके फैसिलिटेटर्स हैं उन तक पहुंचने का है। मेहरबानी करें, जल्दबाजी ना करें, हम ढूंढेंगे। हमने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अपने किसी शहीद का बदला नहीं छोड़ा है, आज या कल, जल्द या देर से हमारे हर शहीद का जो कातिल था या गिरफ्तार हुआ या मारा गया या कानून के दायरे में गया, छोड़ा नहीं हमने। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस शहीदों की, गाजियों की, बहादुरों की, दिलेरों की, जरूरतमंदों की फोर्स है, बेगैरत नहीं है। हम आपके लिए भी लड़ते हैं, हम अपने लिए भी लड़ेंगे। और मुझे सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पे फख्र है, और मुझे सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मीडिया पे फख्र है। खुदा की कसम, जो ओनरशिप मुझे मिलती है, जो मेरे बच्चों को मिलती है, ये यहां बैठे हैं सारे के सारे, जितने राइट लेफ्ट मेरे बैठे हैं, जो ओनरशिप मुझे देते हैं, मेरे से जाती तौर पे कोई नाराज हो जाए, शायद मैंने किसी को वक्त ना दिया हो, या ना दे सकता हूं,